नमस्कार, मैं सविता सिंह, कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। दिवाली आ रही है तो ऐसे में मैं लेके आ रही हूँ सूरन का गलावटी कबाब। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूरन का गलावटी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो सूरन, जिसे कि उबाल लिया है और उबाल के कद्दूकस कर लिया है। साबुत मसालों में मैंने लिया है कबाब चीनी 10 से 15 दाने, 20 से 25 काली मिर्च, 5 लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री एक टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, शाहजीरा आधा चम्मच, 5 छोटी इलायची, पत्थर के फूल मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं, ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। और इसके अलावा 1 चम्मच मैंने पोस्ता दाना लिया है, ये भी ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। अदरवाइज जो भी गर्म मसाले आपके घर में हो उनसे आप ये बना सकते हैं। इन सबको हम बारीक पीस लेंगे। इसके अलावा मैंने लिया है 4 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच हरी धनिया और 10 से 12 कली लहसुन। इन सबको पीस के फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा मैंने 10 से 12 काजू लिया है, जिसे भिगो दिया था, इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा 2 चम्मच भुने चने का पाउडर है, 1 नींबू का रस मैंने लिया है, सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ थोड़ी सी लगभग 1 चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, केवड़ा जल लगभग आधा चम्मच। इसके अलावा मैंने 1 प्याज को ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसे भी हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। अब ये गरम मसालों का मैंने पाउडर बना लिया है, तो सूरन में हम इसे डाल देंगे 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब। ये अदरक हरी मिर्च लहसुन हरी धनिया का पेस्ट है, इसे भी हम पूरा ही डाल देंगे। प्याज और गुलाब की पंखुड़ी को भी मैंने पीस लिया है, इसे भी पूरा ही डाल देंगे। इसके अलावा आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब ही जीरा डाल देंगे, पिसा हुआ जीरा। 1 नींबू का रस मैंने लिया है, उसे डाल देंगे। काजू का पेस्ट मैंने बना लिया था, उसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को सूखा ही कोशिश करेंगे पीसने की, नहीं तो बैटर बहुत गीला हो जाएगा। थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच, 1 चम्मच के करीब चने का, रोस्टेड चने का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, नमक स्वादानुसार। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, तो इसमें हम लगभग आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा केवड़ा जल डाल देंगे। खूब अच्छी तरह मिला के ये कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए इसमें स्मोकी फ्लेवर देते हैं। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले को पहले से ही आँच पे रख दिया था। अब इसे एक बोल में, एक कटोरी में रख के इसमें रख देंगे और थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको फटाफट से ढक देंगे। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया है, कोयला ठंडा हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और फटाफट से कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने तवे को गर्म कर लिया है, उस पर थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब थोड़ा सा सूरन का बैटर लेंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे कबाब का शेप हम दे के तवे पर इसी तरह से हम सारे कबाब को बना लेंगे। सारे कबाब को उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। हमारा कबाब लगभग सिक गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा सूरन का गलावटी कबाब तैयार है। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।
तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।